नशा मुक्ति केंद्र में युवक के साथ दरिंदगी, प्राइवेट पार्ट में डाला लाइटर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में संचालित संकल्प नशा मुक्ति केंद्र से दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है। संकल्प नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती नशे के आदि एक युवक के साथ नशा मुक्ति केंद्र के लोगों ने मानवता की सारी हदें पार कर डाली। नशा मुक्ति केंद्र के संचालक और कर्मचारियों ने पीड़ित के गुप्तांग में गैस चूल्हे का लाइटर डालकर उसे बुरी तरह से घायल कर दिया, जिससे पीड़ित की आंत तक फट गई। पीड़ित के शरीर में काफी मात्रा में जब खून निकला तो नशा मुक्ति केंद्र के संचालक और कर्मचारियों के हाथ पैर फूल गए। नशा मुक्ति केंद्र के कर्मचारी ने आनन फानन में पीड़ित को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया। तब इस बात की जानकारी परिजनों को लगी तो पूरे मामले का खुलासा हो गया। वहीं मामले पर पुलिस ने जांच टीम गठित की और मौके से नशा मुक्ति बड़ा छोटी बड़ी केंद्र को गिरफ्तार कर लिया, जबकि संचालक अभी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस की टीम जुटी हुई है। दरअसल ग्राम पंचायत गढ़वा निवासी मुकेश मिश्रा नशे का आदी था। उसकी लत छुड़वाने के लिए परिजनों ने उसे संकल्प नशा मुक्ति केंद्र में 25 जुलाई 2021 को भर्ती कराया था, जिसको लेकर संचालक पीड़ित के परिजनों से प्रतिमाह 15 से 18 हजार रुपए तक की राशि वसूलते थे। लेकिन जब पीड़ित मुकेश की पत्नी उससे मिलने जाती थी तो उसे मिलने नहीं दिया जाता था और ये कहकर वापस लौटा दिया जाता था कि यहाँ पर सब पुरुष रहते हैं और नशा करने की वजह से उनका मानसिक संतुलन नहीं रहता है सही, इसी वजह से आप नहीं मिल सकती, और यही बात कहकर परिजनों को पीड़ित से नहीं मिलने दिया जाता था। 28 अक्टूबर 2023 के दिन मुकेश मिश्रा को संजय गांधी अस्पताल में एडमिट करने के बाद नशा मुक्ति केंद्र के कर्मचारियों ने मुकेश की पत्नी को फोन करके सूचित किया कि आपके पति के पेट में दर्द है, जिस कारण से हम लोगों ने उसे संजय गांधी अस्पताल में एडमिट कर दिया है। परिजन जब अस्पताल पहुंचकर देखा कि मुकेश के पेट में बड़ा सा घाव है, डॉक्टर से पूछने पर डॉक्टर ने ये बताया कि मुकेश की आंतें फटी हुई हैं, इससे गुप्तांग में किसी ने नुकीली चीज से चोट पहुंचाई है। खुद पीड़ित मुकेश मिश्रा ने नशा मुक्ति केंद्र में उसके साथ हुई बर्बरता की दास्ता उसने बयां की। उसने बताया कि नशा मुक्ति केंद्र के संचालक विवेंद्र अवस्थी व उसका भतीजा शिवाकांत अवस्थी और कर्मचारी कैलाश तिवारी सहित अमित चतुर्वेदी ने उसके साथ काफी ज्यादती की। पीड़ित ने बताया कि नशा मुक्ति केंद्र के कर्मचारी अक्सर उसके साथ बर्बरता पूर्वक मारपीट करते और भद्दी भद्दी गालियां देते थे। बीते दिनों उसकी इतनी पिटाई की गई कि उसके पैरों में बुरी तरह से सूजन आ गई। उनके द्वारा की गई बर्बरता का सिलसिला यही नहीं थमा। पीड़ित के गुप्तांग में गैस जलाने वाला एक बड़ा लाइटर डाला गया, जिससे उसकी आंत फट गई और उसके शरीर से खून बहने लगा। इस बात की भनक जब नशा मुक्ति केंद्र के संचालक को हुई तो तत्काल उसे संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया। द खबरदार से विजय तिवारी की रिपोर्ट। मेरे साथ यात्रा बहुत सारी हुई थी, पर मेन जो मेरे साथ यात्रा हुई ये पंजों में जो चोट, पंजों की एड़ी से चोट की है, उसमें एसिड डाले, फिर लोहा डाले, जब सूजन आ गई उसके बाद उसमें लोहा डालते थे कि पानी निकलता था, उसमें मवाद नहीं बन पाता था, पानी निकलता था कम से कम 1 महीना 15 दिन, और फिर किसी को दिखाए भी नहीं। उसको सूखने के लिए दो चार इंजेक्शन लगाए, फिर कैसे भी मतलब कर दो, ठीक भी नहीं हुआ। ये घटना कहाँ हुई? नशा मुक्ति के संकल्प नशा मुक्ति के हरिवेद अवस्थी वाला डायरेक्टर है। आपके साथ वहाँ दुष्कर्म की घटना भी हुई, कितने लोग थे उस समय दुष्कर्म करने? हरिवेद अवस्थी, शिवाकांत अवस्थी, कैलाश तिवारी, बालेन द्विवेदी, शिवम सिंह परिहार, ये सब मिल के आपके साथ दुष्कर्म किए? ये सब पकड़ते थे मेरे को, बांधते थे गमछे से, बांधते थे। दुष्कर्म कितने लोग किए थे आपके साथ? मेरे साथ हरिवेद अवस्थी ने दुष्कर्म किया है, 377 और कई बार किया हुआ। एक आरोपी अभी थाने में बता रहे पकड़ा गया, चार लोग आपके साथ ऐसा दुष्कर्म किए हैं ऐसा बता रहे हैं। हरिवेद अवस्थी मेरे साथ करता था, नाइट में करता था। हरिवेद अवस्थी ना, क्या नाम है? हरिवेद अवस्थी, डायरेक्टर है। तो ये परिजनों को आपने जानकारी दी थी क्या? किसी को नहीं मिलने देते थे। मिलने देते थे। परिवार से कब से नहीं मिले थे आप? 27 महीने से नहीं मिले। आप ये चोट कैसे आई, जलाया किसने, क्या हुआ? ये पनिशमेंट क्यों दे रहे थे, क्या कर रहे थे आप?
उनके मूड, उनका मूड कुछ भी, उनका मूड पड़ जाए, उनका सनक लग जाती तो वो कर लेते थे। आप वहाँ कब से रह रहे थे? मैं 2.5 साल हो गया वहाँ कम से कम। तो कब से आपके साथ दुष्कर्म कर रहे थे? अभी 7 ये अभी मुश्किल से 4-6 महीने से। 4-6 महीने हाँ, कर रहे थे। हाँ। तो काफी लोग उसके साथ शामिल थे क्या जो पकड़े जा रहे हैं अभी भी? कई लोगों को शामिल करके आपके साथ हो गया? तो उसके कर्मचारी थे वो कहता था बांध दो तो बांध देते थे, गमछा से बांधते थे, मुंह बांध देते थे, पैर बांध देते थे, हाथ बांध देते थे। उसके बाद बक्सा भी चला देता था वो ब्लूटूथ से, बक्सा बड़े बड़े बक्से ऐसा कर लो समझे, आवाज़ नहीं गूंजती, आप कितना भी चिल्लाओगे कुछ भी करोगे आवाज़ आपकी नहीं जाएगी। नहीं आपके तो ये शरीर में ये जो पेट में निशान है ये किस चीज़ के? यहाँ हॉस्पिटल में लाए ना, ये लोग हॉस्पिटल में लाए, ऑपरेशन का है ये। ऑपरेशन में क्या परिजनों को सूचना दी? नहीं सूचना दी, बिल्कुल नहीं सूचना दी। बिना परिजनों के ऑपरेशन कर दिया गया? कोई सूचित नहीं, कोई सूचना नहीं, वही लोग लेके आए थे। हाँ। आप कहाँ के हैं? मैं रहने वाला डड़वा गाँव का हूँ। हाँ, गुड़ तहसील है, जिला रीवा पड़ता है। कभी मिलने नहीं देंगे? जब ठीक हो जाएंगे तो हम आपको खुद फ़ोन करेंगे, खुद मिलवाएंगे, खुद मानी छुट्टी कर देंगे। और जब इनके साथ ये घटना हुई उस दिन मेरे को ऐसा लगा, फील हो रहा था अंदर से कि मेरा जी घबरा रहा था। मैं सोची कि इनसे बात कर लूँ 28 तारीख को, तो मैं वहाँ पे फ़ोन लगाई दोपहर 12 बजे, बोली भैया बात करवा दीजिए मुकेश मिश्रा जी से। तो बोले कि अभी तो नहीं हो सकती, मैं वहाँ हूँ ऑफिस में हूँ, थोड़ी देर बाद करवाऊँगा जब उधर जाऊँगा। तो फिर मैं लगाई तो वो बोले कि मैं अभी वहीं हूँ। मैं बोली तबीयत उनकी कैसी है, कैसे हैं? तो बोले बिल्कुल ठीक हैं, अच्छे से हैं, आप कोई टेंशन ना लें किसी प्रकार से, हम लोग हैं। फिर बोले कि इस समय थोड़ा उनके पेट में दर्द हो रहा है, तो हम लोग उनको डॉक्टर के यहाँ दिखवाने का सोच रहे हैं, हो सकता है आज ही ले जाएँ दिखवाने। तो मैं सोची कि ठीक है, बोली कि हो गया, मैं सोची कि हो गया होगा हल्का फुल्का दर्द किसी प्रकार का। फिर 29 तारीख को अचानक फ़ोन किए शाम को 7 बजे, बोले कि वो जो मैं कल बोला था कि आपके पति को दिखवाना, उनके पेट में दर्द है, तो उनके पेट में गिल्टी थी, तो हम लोगों ने ऑपरेशन करवा दिया। तो मैं आश्चर्य में पड़ गई, मैं बोली कि ऐसे कैसे ऑपरेशन हो गया, इतना कैसे था कि इतना बड़ा खतरा था कि इतना जल्दी ऑपरेशन करवा दिए और हम लोगों को बताया नहीं, हम लोग क्या इतने दूर थे कि नहीं आ सकते थे? तो मेरे पिताजी को बता देते, मैं पिताजी को अपने गार्जियन बना के रखी थी, तो उन मैं अपने पिताजी को तो बता देते, तो वो लोग नहीं बताए, हो गया। फिर हम लोग आए यहाँ, फ़ोन करे अपने पिताजी को, करे आए देखे तो ये हालत ही, फिर ये ऐसा ऐसा बताए। आपकी रिपोर्ट लिखी गई थी? नहीं लिखी गई थी, मैं 2-3 घंटे खड़ी थी, तो रिपोर्ट मेरी कोई नहीं दर्ज की गई थी वहाँ पे। कैसे आप पहुँची, कैसे पुलिस पहुँची? फिर मैं SP ऑफिस पहुँची, तो वहाँ रिपोर्ट मेरी सुनवाई की गई, फिर वहाँ से आर्डर आया होगा तो सुनवाई। पकड़ा गया है अभी जिसका नाम बता रहे हैं? नहीं पकड़ा गया। कल एक परिवार हमें थाने पर उसने जानकारी दी है कि उनके एक परिजन को 2 साल पहले संकल्प नशा मुक्ति केंद्र में एडमिट कराया गया था नशे से दूर करने के लिए 2021 में, और तब से वो 2-2.5 साल से करीब वहीं पर एडमिट थे। और उनको कल जानकारी मिली, एक दिन पहले जानकारी मिली कि उनके परिजन को हॉस्पिटल में एडमिट करके कोई ऑपरेशन किया गया है, और जिसके आधार पर फिर जब पता किए और अपने परिजन से बात किया तो परिजन ने बताया कि उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य होता है और उसके साथ मारपीट भी हुई है, और जिसके आधार पर फिर हमने इसमें 377 और अन्य धाराओं में इसमें FIR इसमें दर्ज की है। और साथ ही साथ इसमें हमने ज्वाइंट टीम एक कल नशा मुक्ति केंद्र संकल्प पे गई थी, जिसमें डिप्टी डायरेक्टर सामाजिक न्याय तहसीलदार और SDOP पुलिस की टीम भी वहाँ पे गई थी, और जो भी दस्तावेज वगैरह हैं वो सारी चीज़ें वहाँ से जब्त किए जा रहे हैं, और बाकी जो वहाँ पे लोग हैं जो एडमिट थे तो उनके भी कथन लिए जाएंगे। अभी जो 5 आरोपी कथन में जो पीड़ित ने बताए थे उसमें से 2 आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। संचालक अभी नहीं गिरफ्तार हुआ है, 5 लोग में संचालक का भी नाम था लेकिन वो अभी नहीं गिरफ्तार हुआ है, 2 अभी गिरफ्तार हुए हैं। सर,
बिल्कुल कुछ ये भी है कि अगर कहीं पे हिंसा या कुछ ऐसा हुआ है तो उसके कोई हमको जो भी एविडेंस मिलेंगे उसको कलेक्ट करने के लिए फॉरेंसिक टीम भेज दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।